हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मुझे रात में आज नींद नहीं आ रही थी। इस समय रात के 3:20 हो रहे हैं, तो मैंने सोचा क्या करूं। तो बैठे बैठे मैंने जो है VRM का डायग्राम ही बना दिया। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये है मदरबोर्ड का VRM। मैंने इसका वर्चुअल सर्किट बनाया है और ये चलता भी है। चला के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोड पे जो कि हमारा एक लैंप है, यहाँ पे हमने प्रोसेसर नहीं लिया, प्रोसेसर की जगह एक लैंप लिया। इस पर हमने लोड दिया और लोड कैसे इसमें पास हो रहा है। तो जिन लोगों को VRM के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैंने ऑलरेडी जो है VRM के ऊपर एक सीरीज़ बना के रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं कि इस VRM में थोड़े से चेंजेस हैं। ये मदरबोर्ड के VRM से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कंट्रोलर IC नहीं है, हम मैन्युअली कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे स्विच से। और ये जो पावर सोर्स है जिससे दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, ये इस स्विच पे जा रहा है। और ये हमारा मेन पावर सोर्स है जिस पे कोई रेजिस्टर नहीं लगा हुआ है, और ये जाएगा इस हाई साइड ट्रांजिस्टर में। यहाँ पे MOSFET की जगह मैंने ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं और ये लो साइड ट्रांजिस्टर है, और बाकी सब सेम है। प्रोसेसर की जगह जो है यहाँ पे हमने लोड पे लगा दिया है एक लैम्प। तो VRM की खासियत ये होती है कि आपके पावर सप्लाई से जो 12 वोल्ट आता है, उससे वो मैन्युअली अपने मन से 1.3, 1.2 या 0.9 वोल्टेज निकाल के प्रोसेसर को दे देता है। और वो कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो अगर मैं इस स्विच को खुला छोड़ दूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारा करंट चला गया और ये बड़ी तेज़ी से करंट जा रहा है। और अगर ये आपका प्रोसेसर होता तो इसे इतना करंट नहीं चाहिए होता, इतने करंट पे ये ख़राब हो जाता। तो VRM करता क्या है, VRM देखिए यहाँ पे जो है, अब ये हाई साइड MOSFET एक्टिवेट हो गया है और ये डायोड एक्टिवेट हो गया है। और अगर मैं स्विच चेंज कर देता हूँ तो ये डायोड अब बंद हो गया है और यहाँ से जो है करंट स्पीड में जा रहा है। तो बेसिकली VRM करता ये है, इन दोनों के बीच में स्विचिंग किया करता है ताकि आपके प्रोसेसर को एक बराबर करंट मिलता रहे। अगर उसे 0.9 चाहिए तो 0.9 मिले, और अगर उसे और कम चाहिए तो क्या करता है कि ऑन थोड़ी सी देर के लिए करता है और ऑफ ज़्यादा मिली सेकेंड्स के लिए किए रहता है, ठीक है। तो इसकी ऑन ऑफ की टाइमिंग बहुत फास्ट होती है, यहाँ पर तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। और अगर करंट ज़्यादा चाहिए, जैसे एक्चुअली वो प्रोसेसर को तो वोल्टेज चाहिए होता है, बट यहाँ पर हम करंट यूज़ कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इसको करंट ज़्यादा चाहिए हो तो ऑन कुछ ज़्यादा देर के लिए होगा। तो मान लीजिए अभी इसको 0.7 मिल रहा है और ये 0.7 इसको मिलता रहेगा, जबकि इस पावर सोर्स से आ रहा है, आप इमेजिन कर लीजिए कुछ भी आ रहा है, 12 वोल्ट ही आ रहा है जो आपके मदरबोर्ड में आता है पावर सप्लाई से, लेकिन इसे इतना नहीं मिलेगा, इसे कम मिलेगा। और यहाँ पे ये सिंगल फेस है, तो सिंगल फेस में जो है स्पाइक्स जनरेट हो सकते हैं, और इसके लिए हमने यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा रखा है। उसके बाद और ज़्यादा फेसेस होते हैं, ये सिंगल फेस VRM है, तो इस तरीके से जो है ये VRM काम करता है। तो यहाँ पे कंट्रोलर IC नहीं है, यहाँ पे मैं कंट्रोलर IC की जगह एक एक्स्ट्रा पावर सोर्स और रजिस्टर और ये स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं मैन्युअली इसको कंट्रोल कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हम जो है वोल्टेज दे रहे हैं। अगर मैं इसको बंद कर दूँ, यहाँ पे वोल्टेज ना दूँ, तो ये देखिए डायोड से वोल्टेज इधर जा रहा है। और अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो, और ऑन छोड़ देता हूँ, तो ये वोल्टेज जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जो ये एक फ़िक्स वैल्यू पर आके रुक जाएगा, जितना भी ये पावर यहाँ से डिलीवर कर सकता है। उसके बाद अगर मैं इसको नीचे कर दूँ, यानी कि यहाँ से बंद कर दूँ, तो यहाँ से जो है ये धीरे धीरे जो है करंट जो है धीमा हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ऐसे स्विचिंग करता रहूँ तो ये एक फिक्स रेट पे चलता रहेगा। तो मोस्टली VRM कैसे काम करता है कि कंट्रोलर IC को प्रोसेसर, या बीच में बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, बट हम फिलहाल इमेजिन करते हैं कि प्रोसेसर उससे कहता है कि मुझे चाहिए 0.8 वोल्ट। तो जब 0.8 वोल्ट की डिमांड होती है कंट्रोलर IC से, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से स्विचिंग होने लगती है और वहाँ पे 0.8 हो जाता है। और अगर 0.8 की जगह कहता कि अब मुझे 1.1 चाहिए क्योंकि गेम रन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऑन ज़्यादा देर के लिए हो जाता है और ऑफ कम देर के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि करंट बढ़ गया है। उसके बाद अगर उसे 0.7 वोल्ट पे आना है तो फिर से ऑफ़ ज़्यादा देर के लिए होता है, ऑन कम देर के लिए होता है। तो इस तरीके से जो है एक कंट्रोलर IC जो कि डिजिटली कंट्रोल करती है पूरे सर्किट को,
इस तरीके से कंट्रोल करती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम है VRM का। और एक किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि ज़ेब्रोनिक्स का H61 मदरबोर्ड कैसा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कुछ मदरबोर्ड की इमेजेस डाउनलोड करी हैं और एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें हम इमेज देख के ये पता करने की कोशिश करेंगे कि मदरबोर्ड का VRM कैसा है। और अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर जिन लोगों ने VRM की सीरीज़ देख ली है उनको ऑलरेडी बहुत अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी VRM की, और वो जो है जल्दी बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे वो वीडियो देख के। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मन करे तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।